इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया। इसराइल ने कहा, झूठे दिखावे मदद नहीं करेंगे। हमले के लिए ईरान ने हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराया था। बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला किया गया था। इसराइल के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, नेतन्याहू के घर पर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया। इसराइल ने कहा, झूठे दिखावे मदद नहीं करेंगे। हमले के लिए ईरान ने हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराया था। बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला किया गया था। इसराइल के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, नेतन्याहू के घर पर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया। इसराइल ने कहा, झूठे दिखावे मदद नहीं करेंगे। हमले के लिए ईरान ने हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराया था। बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला किया गया था। इसराइल के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, नेतन्याहू के घर पर हमले पर ईरान का स्टैंड सामने आया है। हमले से ईरान ने खुद को अलग किया है।